हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन, यू विल रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन। आज हम बनाएंगे तिरंगा पुलाव, और तिरंगा पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच ग्रीन कलर, 1/4 चम्मच ऑरेंज कलर, 1/4 कप ऑयल, 1 कप राइस, पिस्ता 1/2 कप एंड 1 अनियन। सबसे पहले हम राइस को बॉईल करेंगे। राइस को बॉईल करने के लिए मैंने पहले से ही पानी को बॉईल करना रख दिया था। पानी में बॉईल आने के बाद हम इसमें धुले हुए राइस मिलाएंगे और इन्हें बॉईल होने देंगे। बीच बीच में आप चेक करते रहिए राइस को। ये देखिए हमारे राइस अभी रेडी नहीं हुए हैं। राइस रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे कलर। कलर मिलाने से पहले ध्यान रखें कि चावल का पानी पूरा अच्छी तरह से निकाल लें। इसके बाद हम इसमें अब मिलाएंगे ऑरेंज कलर। बीच में वाइट के लिए स्पेस रखेंगे। अब ग्रीन कलर मिलाएंगे। इसमें पानी मिक्स करके और ग्रीन कलर डालेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें जीरा डालेंगे और प्याज डाल के उसे भुनेंगे अच्छे से। प्याज ब्राउन होने के बाद उसमें हम क्रश्ड पिस्ता डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 मिनट ही पकाना है। ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें हम राइस मिला देंगे। राइस में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हमारा पुलाव बनके रेडी है, सर्व करेंगे। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।